नमस्कार, मैं हूँ सुषमा शर्मा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी लेके आई हूँ जो है गुजराती ढोकला। तो चलिए बनाते हैं गुजराती ढोकला। अब हमने इसके ढोकले बनाने के लिए ली है चने की दाल ली है 300 ग्राम और चावल लिए है 100 ग्राम जो कि हमने दही में भुने के लिए डाल दिए हैं। और इनको ना 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ेंगे रेस्ट करने के लिए। तो उसके बाद आगे की रेसिपी करेंगे तैयार। अब हमने जो पेस्ट जो चने का और चावल का हमने बना दिया, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और जरा सी हल्दी और उसमें डालेंगे 2 पिंच ईनो। अब हमने इसमें नमक ईनो जरा सी हल्दी डाल दी है। अब रखेंगे हम इसको स्टीम के लिए थाली में डाल के स्टीमर में। अब पहले हम थाली को ना थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर देंगे इस तरह से ताकि बैटर इसमें चिपके ना। अब हमने बैटर को थाली में डाल दिया है। अब इसको हमने 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम के लिए रखना है। अब हमारा बैटर ठंडा हो गया है और हमने इसके चकोर में पीसेस भी काट लिए हैं। अब करेंगे हम तड़के की तैयारियां। तड़के के लिए लिए हमने हरा धनिया और हरा पुदीना, राई और तिल। हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। इससे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी राई। राई डाल दी। अब राई थोड़ी चटकने के बाद अब डालेंगे इसमें हमने तिल। अब हम जो तड़का है हमारा वो हम डालेंगे इसके चारों ओर। अब हमने इसके चकोर में पीसेस को काट लिया है और इसके ऊपर हमने डाल दिया हरा धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश कर दिया है। अब बनाएंगे इसके साथ पुदीने की चटनी। अब हम चटनी के लिए जो लेना है वो है हरा पुदीना, 1 हरी मिर्च ली, 2 कलियां लहसुन की और 1 लिया प्याज, 7 मिली 1 टमाटर और नमक लिया स्वाद के अनुसार। तो अब बनाएंगे हम चटनी। हमारे ढोकले बनके तैयार हो गए हैं और चटनी के साथ परोस लिया गया है। आज का मेरे ढोकले का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।